This is Bhumika Sharma from AMBI International School, Nayagaon, Kota. Today, we will study Chapter 3, Uses of Plants of Science. Let's start. Uses of Plants. In this chapter, we will read about sap, juice and plants or trees. सैप क्या होता है जो प्लांट्स और ट्रीज के अंदर जूस और लिक्विड टाइप होता है. जैसे कि आप कभी गार्डन में गए हो, आपने ट्रीज देखे हो तो उसमें गम टाइप कुछ ड्रॉप होता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं. फाइबर्स वेरी थिन एंड लॉन्ग थ्रेड. फाइबर्स क्या होते हैं, थिन और लॉन्ग थ्रेड टाइप होते हैं. सीरियल्स सीड्स और ग्रेन्स यूज एज फूड. सीड्स मीन्स जैसे अनाज हो गया, दालें हो गई, हम इन्हें एज अ फूड यूज करते हैं. स्पाइसेस प्लांट्स प्रोडक्ट दैट आर यूज टू एड टेस्ट कलर एंड स्मेल इन फूड. स्पाइसेस मीन्स क्या होते हैं, मसाले होते हैं. जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम उसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, उसमें टेस्ट कलर और स्मेल बढ़ाने के लिए, ऐड करने के लिए. नाउ प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स. हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं प्लांट्स से. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज इन मैनी वेज. पार्ट्स प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग मैनी वेज, मतलब अलग अलग वेज में हमारे यूज आते हैं. मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट. बहुत मतलब अधिकतर जो हम फूड खाते हैं वो कहाँ से आता है, प्लांट से हमें प्रोवाइड होता है, मिलता है. द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज एज वेजिटेबल. कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो हमारे यूज आती हैं एज अ वेजिटेबल. फॉर एग्जाम्पल रेडिश, कैरेट एंड बीटरूट. द स्टैम ऑफ बिग ट्रीज प्रोवाइड अस विद वुड. जो बिग ट्रीज की जो स्टैम होती है वो हमें वुड प्रोवाइड करती है. दिस वुड इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, डोर एक्सेट्रा और एक्सेट्रा. और जो ये वुड वुड होती है ये हमारे किस काम में आती है, फर्नीचर बनाने में, डोर बनाने में, एक्सेट्रा. सम ऑफ द वुडी स्टैम्स ऑल्सो गिव अस फॉर्क विच इज यूज टू मेक स्टॉपर्स फॉर बॉटल्स. कुछ वुडी स्टैम्प्स जो होती हैं वो हमारे कॉक बनाने में, मतलब कॉक प्रोवाइड करती है हमें. और वो कॉक हमारे किस काम में आती है, किसी भी चीज़ को स्टॉप करने में काम आती है. जैसे फॉर एग्जांपल हमें बॉटल को बंद करना हो, एज अ कैप भी काम आ जाता है. ओके नाउ बार्क्स ऑफ सम ट्रीज प्रोवाइड अस सिनेमन. सिनेमन क्या होता है, दालचीनी. एंड मेडिसिन लाइक क्विनाइन फॉर फ्रॉम सिंखोना ट्री. क्विनाइन हमें कहाँ से मिलता है, सिंखोना ट्री से मिलता है. स्टैम ऑफ सम प्लांट्स आर यूज फॉर फूड. कुछ प्लांट्स की जो स्टैम होती है वो एज अ फूड भी हमारे काम आती है, यूज में आती है. स्टैम ऑफ द शुगर केन प्लांट गिव्स अस द टेस्टी शुगर केन जूस. शुगर केन प्लांट की जो स्टैम होती है वो हमें टेस्टी शुगर केन जूस देती है, डैट इज गन्ने का जूस जो आप पीते हैं. दिस जूस इज यूज टू मेक जैगरी. जैगरी क्या होता है, गुड़. ये जूस हमें किस काम में आता है, गुड़ बनाने में काम आता है एंड शुगर बनाने में भी यूज होता है. कोको यूज टू मेक चॉकलेट कम्स फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कोको प्लांट. कोको प्लांट का जो फ्रूट होता है उससे क्या बनता है, कोको. और वो क्या काम आता है, चॉकलेट बनाने में काम आता है. वी गेट रबर फ्रॉम द सैप ऑफ द रबर ट्री. हमें रबर कहाँ से मिलता है, जो रबर ट्री का जो स्टैम होता है उसके अंदर सैप लाइक लिक्विड होता है, उससे हमें रबर मिलता है. द फाइबर फ्रॉम द स्टैम ऑफ द जूट प्लांट आर यूज टू मेक रोप्स एंड गुनी बैग्स. मीन्स जो जूट प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उससे हम वो किस चीज में यूज आते हैं, रोप्स और गनी बैग्स में. Now the cotton comes from the fruit of the cotton plants. Cotton plants का जो fruit होता है उससे हमें cotton मिलता है. It is changed into yarns which are woven into clothes. फिर उसे वो change होता है एक thread, as a thread में change होते हैं और उससे हमारे clothes बनते हैं. As you see in the picture, हमें cotton plant से cotton मिला है और cotton फिर threads में change किया है, उसके बाद वो change हुआ है clothing में and उसके बाद हमारा उससे क्या बनता है, clothes बनते हैं. Now, the leaves of a plant manufacture food in the presence of sunlight. जो leaves होती है plants की वो क्या बनाती है, sunlight की help से, sunlight की presence में food बनाती हैं. The leaves of many plants are used as vegetable. बहुत सारे plants के जो leaf होती है वो as a vegetable भी हमारे use में आती है. For example, coriander, methi, mint and spinach.
बिग लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज एज प्लेट्स, कुछ प्लांट्स के जो बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं वो एज अ प्लेट भी यूज में आती हैं हम लोगों के. बिग लीव्स ऑफ पाम ट्रीज आर ऑल्सो यूज टू मेक द रूफ ऑफ अ हट. जो पाम ट्रीज की बिग लीव होती हैं वो किसी भी हट के रूफ बनाने में यूज में आती हैं. लीव्स ऑफ सम अदर प्लांट्स लाइक तुलसी एंड नीम आर यूज टू मेक मेडिसिन. कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं फॉर एग्जाम्पल तुलसी और नीम, ये मेडिसिन बनाने में काम आती है. ड्राइड लीव्स ऑफ टी प्लांट आर यूज टू मेक टी. जो टी प्लांट की ड्राइड लीव्स होती हैं, सूखी पत्तियाँ होती हैं, वो यूज में आती हैं टी मेकिंग में. बीन्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट्स आर यूज टू मेक कॉफ़ी. जो कॉफ़ी प्लांट्स के जो बीन्स होते हैं वो यूज आते हैं कॉफ़ी बनाने में. द फ्लावर्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर ब्राइट इन कलर्स. कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइट होते हैं कलर्स में, सुंदर होते हैं, ब्यूटिफुल होते हैं. दे आर यूज फॉर डेकोरेशन. वो यूज आते हैं डेकोरेशन में, फॉर मेकिंग गार्लैंड्स एंड इन पूजा. गार्लैंड्स मीन्स फूलों का हार बनाने में, और पूजा में भी काम आते हैं. रोज पेटल्स आर यूज टू मेक गुलकंद एंड रोज वाटर. जो रोज़ की पेटल्स होती हैं वो गुलकंद और रोज वाटर बनाने में यूज आती हैं. फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. जो फ्लावर्स होते हैं वही फ्रूट्स में ग्रो हो जाते हैं, बन जाते हैं. ऑल ऑफ अस लव टू ईट फ्रूट्स. अपन आप सबको पसंद है फ्रूट्स खाना. मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स. मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट्स बोला जाता है, माना जाता है. मोस्ट ऑफ द पल्सेस सीरियल्स एंड स्पाइसेस दैट वी ईट आर सीड्स. जो अपन पल्सेस मीन्स दाल, सीरियल्स मीन्स अनाज, स्पाइसेस मीन्स मसाले खाते हैं, वो सीड्स होते हैं. नाउ सीड्स ऑल्सो गिव्स अस ऑयल्स. जो सीड्स होते हैं वो हमें ऑयल भी देते हैं. मस्टर्ड, ग्राउंडनट, तिल, आलमंड आर द ऑयल्स वी यूज फॉर कुकिंग. ये ऐसे कुछ ऑयल्स हैं जो हम कुकिंग में यूज लेते हैं. प्लांट्स ऑल्सो गिव आउट ऑक्सीजन एंड दस प्योरीफाई एयर. प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं और एयर को प्योरीफाई करते हैं. सो यू सी दैट प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. तो आपने देखा कि प्लांट्स हमारे लिए किस किस तरीके से यूजफुल हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट. ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इस वर्ल्ड को इमेजिन करना विदाउट प्लांट्स. हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते. थैंक यू.